नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के वारासिवनी स्थित वेयरहाउस में एक ट्रक में लगभग 33 टन चना भरा गया, जिसकी मंडी अनुज्ञा छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर की बनी थी, किंतु ये ट्रक कटनी जा रहा था, जिसकी जानकारी लगने पर पत्रकारों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर जब्त करवा दिया। जब्ती की ये कार्रवाई बालाघाट सिवनी जिला सीमा रेखा पर बने कंजई जांच नाके पर की गई। जब्त चने की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। ये ट्रक में माल भराया है वारासिवनी से, लेकिन वो माल आया है उधर से। दीपक जी, आप अभी जो ट्रक से आ रहे हो, आप कहाँ जा रहे थे? कटनी जा रहे। कहाँ से आ रहे थे आप? वारासिवनी। वारासिवनी से आपकी गाड़ी में क्या भरा हुआ? चना। तो आपकी इसके अनुज्ञा सब है? सब है पेपर। मगर अभी आप बता रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। नहीं, वो माल ही उधर से आया होगा, आया था ट्रांसपोर्ट वाले से, तो इधर हम लोग इधर लेके जा रहे हैं वारासिवनी से। लोड किया मैंने ट्रांसपोर्ट के मार्फत। आपने कहाँ से माल उठवाया है, कहाँ से भरे माल? वारासिवनी। वारासिवनी किस जगह से? वेयर हाउस से या किसी प्राइवेट व्यापारी? एफसीआई से। तो एफसीआई से माल ने आपने भरे, तो कोई भी प्राइवेट वाला कैसे आपसे एफसीआई से आपको बोल देगा? भाई हम गाड़ी वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाला जो बोलेगा जहाँ जाओ वहाँ हम जाएंगे। आपने ट्रांसपोर्ट से भरे होगा? स्टार ट्रांसपोर्ट। आपने अपने एफसीआई से अपने गेहूँ भरे, चना भरे, और आप जा रहे हैं कहाँ? कटनी। कटनी। मगर आपकी अनुज्ञा में तो छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। वो जो गिल्टी बनाने वाले ने दिया है, हम तो लाया नहीं है। जो गिल्टी परिचय बताएंगे? डीएलएस पाटिल। सर, क्या कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? इसमें क्या है कि ये तहसीलदार महोदय हमने को जानकारी दी जी कि एक गाड़ी अवैध रूप से परिवहन करके पकड़े हैं, तो हमने आके इसके वाहन चालक से बिल बिल्टियों का चेक किया। उसमें यह पाया गया कि अनुज्ञा वारासिवनी टू रायपुर बनाया गया था, और बिल्टी में है वारासिवनी टू कटनी। ये संदेह के दायरे में है।